बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नूडल्स के लिए हम सबसे पहले चिकन को काट लेते हैं। आप बोनलेस चिकन लें और उसको आप अपनी पसंद की कोई सी भी शेप में काट लें। तो मैं इसको इसलिए थिनली स्लाइस कर रही हूँ इस तरह से। अच्छा, ये जो है हमारी नूडल्स बहुत ही मज़े की, थोड़ी सी गार्लिक फ्लेवर और स्पाइसी। अच्छा, मैं इसके लिए नूडल्स के लिए ले रही हूँ 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन का। तो आप अपना सारा चिकन काट के इस तरह से तैयार कर लें। चिकन कट चुकी है। अच्छा, इसको अब मैरिनेट हमने यहाँ पे नहीं करना, हम इसको जब पकाएंगे तो हम अपने जो के ऊपर जो हमने सारे डालने हैं इंग्रेडिएंट, उस वक्त डाल के इसको हम पकाएंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए मैं ये नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री हैं, कॉर्न पास्ता नूडल्स हैं। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप एग नूडल्स, स्पैगेटीज, जो भी नूडल्स आपके पास हैं आप उनको इसमें रेसिपीज में वो यूज़ कर सकते हैं। और आप नमक डाल के पानी में और अपनी पैकेज के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप उनको नूडल्स को बॉईल कर लें। अच्छा, ये नूडल्स हमारी तैयार हैं। तो अब इसमें से ना मैं कुछ पानी ना ड्रेन करने से पहले कुछ थोड़ा सा पानी मैं जो है वो इसको सेव कर लूंगी, पानी को ड्रेन करके, और उसके बाद मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूंगी। इसको पैन को गरम कर लें उसमें, और एक से दो टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डाल लें। अच्छा, ये इसमें गार्लिक ज़्यादा डलेगी, मैंने 2 टेबलस्पून मिंस्ड गार्लिक ली है, हो जाएगा इसमें। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर का लिया है। अच्छा, अब इसमें जो चिकन था वो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम मैंने 3 टेबलस्पून सोया सॉस लिया। वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है सिरका, वाइट विनेगर, हो जाएगा इसमें। इसमें सोया सॉस और सिरका डाल के इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये जो दोनों चीजें ड्राई नहीं हो जाती। अच्छा, चिकन जो है इसका सॉस जो है वो ड्राई हो गई है, तो मैं इस चिकन को निकाल लूंगी। अच्छा, सेम ही पैन में मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। अच्छा, इसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, जो भी आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को पसंद हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मशरूम, कैरेट्स और कैप्सिकम। तो अच्छा, मैं गाजर और ये देखें मशरूम्स डाल रही हूँ। ये मैं सेम टाइम पे, क्योंकि मैं गाजर को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मैं गाजर को भी थोड़ा सा क्रंची रखूंगी। थोड़ी सी इसको मैं 1 मिनट तकरीबन इसको तेज आंच पे इसको मैंने स्टर करना है। इसके साथ साथ इसमें मैंने रेड और ग्रीन पेपर है वो लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस फ्राई करते हुए। अच्छा, मैंने 1 से 2 मिनट अपनी सब्जी को भी सोया सॉस में और लाइट से ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है, और इसको भी मैं अब चिकन के साथ इस तरह से निकाल लूंगी। अच्छा, अब हम अपने सेम ही पैन में मैं 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, इसे मैं 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है क्रश चिली का। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। और 1/2 टेबलस्पून लिया है मैंने काली मिर्च, 2 टीस्पून मैंने लिया है शुगर का, 2 ग्रीन अनियन लेके उनको भी काट लिया है। अच्छा, इसमें ये सोया सॉस जाएगी।
इसमें लेमन स्क्वीज करूंगी। अच्छा, क्योंकि ये काफी स्पाइसी होती है इसलिए मैं इसमें दो ग्रीन चिलीज ले डाल रही हूँ बीच निकाल के। ये हमारी देखें एक स्पाइसी किस्म की सॉस तैयार हो गई है। तो जो हमने पानी सेव किया था उसमें से मैं तकरीबन, तो मैं ये दो स्कूप पानी के इसमें ऐड करूंगी। इसको थोड़ी देर पकाएंगे अपनी सॉस को। अच्छा, अब ये बॉईल आने पे मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ। इन नूडल्स को थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए सॉस के साथ पकाएं। और इसके साथ ही हमने जो ये वेजिटेबल्स सब और चिकन रेडी किया था वो भी इसमें डाल दें। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नूडल्स तैयार हैं। मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। मैंने नूडल्स को टेस्ट किया है, हमें नमक की भी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इसमें जो चिकन को, वेजिटेबल्स को और हर चीज़ को सोया सॉस में पकाया था। सोया सॉस में ऑलरेडी इतना सॉल्ट होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर आप अपनी नूडल्स को एंड में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको उसमें सॉल्ट या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं। तो मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। हरी प्याज से इसको आप गार्निश करें। और साथ में मैंने रोस्टेड पीनट्स लिए हैं क्रश, वो डाल रही हूँ उसपे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत ही मजे की स्पाइसी नूडल्स तैयार हैं।